कैसे हो भाई? फर्स्ट क्लास। पापा जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी टीम जीत गई प्रो म्यूजिक लीग। इसके लिए वो जीत गए, आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? और हर जगह, मतलब चाहे वो कॉमेडी फैक्ट्री हो, चाहे वो सोनी का इंडियन आइडल हो, हर जगह आप मौजूद हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समथिंग इज हैपनिंग। सर, यार मैं हमेशा मेरे फैंस से मैं दूर रहता हूँ, तो आई थिंक यही एक जरिया है कि मैं एक अच्छे शो पे आऊँ। और आज मैं इंडियन आइडल पे आया हूँ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, माई फेवरेट शो, और आई एम श्योर कि आज बहुत धमाका होगा, बहुत मजा आने वाला है। एंड यस, इंडियन प्रो म्यूजिक लीग हम जीत चुके हैं और बहुत भारी मात्रा में हमें वोट्स आई थी। थैंक्स टू ऑल माई लवली फैंस। जब से मैं जीता हूँ, मैं कहीं थैंक्स नहीं कर पाया, बट थैंक यू एवरीवन फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल। बहुत बड़े तादाद में हम लोग जीते हैं, सो ऑल क्रेडिट गोज टू माई लवली फैंस। कॉमेडी फैक्ट्री भी कर रहे हैं, वो एक अलग जोन का, वहाँ पे कॉमेडी और कहीं ये भी आप मानते हैं कि टीआरपी बढ़ जाती है मीका को ले आओ? वेल, मैं बड़ा सच्चा और सीधा सा इंसान हूँ, और जब भी मैं जाता हूँ पूरा मस्ती करता हूँ, और आई गेस यही एक वजह है कि अच्छी टीआरपी आती है, स्पेशली उस दिन जब मैं एपिसोड में आता हूँ। तो कॉमेडी, जी कॉमेडी फैक्टर में बहुत मज़ा आया, स्पेशली बहुत प्यारा शो है। फराह खान के साथ मैं जज था, देन उसके बाद हम अभी रिसेंटली डांस दीवाने में भी होके आए, दिलीप जी के साथ था, वहाँ बहुत मज़ा आया। एंड दिस इज इंडियन आइडल। हाउ डू यू मैनेज इतने सारे शोज में जाना वहाँ, और बहुत हैपनिंग सा हो जाता है जब आप पहुँच जाते हैं, और वो जो जो ऑलरेडी गेस्ट जज होते हैं उनकी भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री होती है, चाहे वो फराह हो, चाहे वो दूसरे दिग्गज हो? जी, बहुत मजा आता है जब भी कोई माहौल बन जाता है, बिल्कुल, जब भी अच्छे जज हों, सारे हमारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फुल एनर्जी डालूं, म्यूजिक में भी, डांस में भी, मस्ती में भी, तो जो टोटल जो यू नो इम्पैक्ट आता है, पूरा जो पैकेज है, उसमें मजे आता है लोगों को। एंड अभी रिसेंटली मेरा गाना आया भाई भाई, जो कि संजय दत्त के ऊपर है, एंड हुच एक बहुत बड़ी फिल्म है अजय देवगन सब में, और गाना ऑलरेडी सुपर हिट हो चुका है, 1,00,000 उस पर रील्स बन चुकी हैं, एंड बहुत जल्दी मैं भी एक अच्छी वाली रील्स बनाऊंगा। ओके, भुज को लेके, भुज खाली गाने को लेके क्या कहना चाहेंगे? बड़ी देशभक्ति की फीलिंग आती है, ट्रेलर अपने आप में बताता है कि देश की बात हो रही है। आई एम श्योर कि फिल्म आने वाली सुपरहिट फिल्म है, और जैसे मेरा गाना तो फिल्म चलेगी चलेगी, और गाना बहुत अच्छा है, डीजे चेतन ने इसका म्यूजिक करा है, संजू भाई, हाय भाई। टीआरपी की जब मैं बात करता हूं कि आप आए और टीआरपी का, इस बात को लेकर कहीं प्राउड महसूस होता है या जिम्मेदारी बढ़ जाती है? जिम्मेदारी भी बढ़ती है एंड प्राउड भी फील होता है, बिकॉज खूब मस्ती करनी होती है, मजे करने होते हैं, और आज बहुत धमाका होने वाला है इंडियन आइडल में, बिकॉज फिनाले है आज, तो आज का जो दिन होगा बहुत ही कमाल का होगा, और सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इंडियन आइडल में, एंड आग लगा दी, उनको भी मैं मिलूंगा आज। थैंक यू, बाय। चलो।